जी आपका नाम क्या है? मलकी सिंह। पिताजी का नाम? अर्जुन सिंह। किस गांव में रहने वाले हैं? रन नगर। जी क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि जो नेपाली तटबंध बनी हुई है उसके कारण तेज धार से यहाँ जो परकोपिन डाल रखी थी सिंचाई विभाग वालों ने, जी जी, वो सब पानी के अंदर नीचे डाल रखी थी। जी जी। उसका कुछ तो फायदा नहीं हुआ। जी जी। ना उसके साथ में कोई कबाड़ फंसता है। जी जी। उसके कारण ये धार की वजह से सब नीचे चले गई हैं। सिंचाई विभाग वाले यहाँ देखने आए इन कोई दिनों? नहीं आया, यहाँ तो नहीं आया कोई भी। कोई नहीं आया? नहीं आया। हाँ जी काला सिंह जी, आपका घर है यहाँ पे, सिंचाई विभाग वाले देखने आते आया अभी तक इस साल? कोई सिंचाई विभाग वाला जब से ये लगा के गए हैं उसके बाद में कोई आया नहीं। और लेखपाल को भी मैंने सूचना की थी, लेखपाल जी भी नहीं आए, उनको फोन किया था, वो कह रहे थे आने के लिए, अभी तक आए नहीं। यहाँ पे कोई सरकारी आदमी देखने आया? अभी तक यहाँ पहुँचा ही कोई मीडिया वाले आया? ना कोई मीडिया वाला भी नहीं आया, आप पहली बार आए। अच्छा 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 वीर, कोई सरकार, आपका नाम क्या है? तो पिताजी का नाम? बंता सिंह। कहाँ रहने वाले हैं? इंद्रनगर। तो ये आपके घर पीछे ना? जी। तो क्या दुख है आपको? दुख कैसे ये नदी घर कट गया तो कैसे गुजारा करेंगे, कहाँ जाएंगे? नदी की रोक करो, ये बहुत दिक्कत है। सरकार से कहेंगे कि नदी में ठोकरें बनाए और ना काम करे, हाँ। इस पे हैं, नियत से काम करे, ईमानदारी से है। चलिए काला सिंह जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे? आपको बिल्कुल, आपका पीछे घर है ये ना? मेरा ये पीछे घर है जी, बिल्कुल किनारे पे है, बिल्कुल करीबी है जी। वैसे पिछले साल सिंचाई विभाग वालों ने ईमानदार से काम किया था, घर बचा लिए थे, ये तो कहेंगे ना? हाँ जी, पिछले साल तो लगाए थे, मतलब कुछ उससे राहत मिली थी, घर बच गए थे, घर बचे थे, किनारे पे थे। जी हाँ, अब जो है बिल्कुल, जो है बिल्कुल मामला करीबी है। और हमारा सरकार से निवेदन है और सिंचाई विभाग वालों से भी निवेदन है कि कृपा करके जल्दी से जल्दी हमारा घर बचाने की कृपा करें जी। आपका क्या नाम है जी? सरबीर सिंह। कहाँ पे घर है जी? इंद्रनगर। पिताजी का नाम क्या है? दर्शन सिंह। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये कटान की नदी की। नदी कटान की समस्या? हाँ, है बहुत। आपका क्या नाम है? उमा शंकर। पिताजी का नाम? इंखिलाल। किस गांव में रहते हैं? इंद्रनगर। अच्छा, तो ये एसएसबी चौकी कहाँ पे? खखरौला एसएसबी चौकी सामने है, बिल्कुल नदी के पास में पहुंचने। ये सामने दिख रही है? सामने दिख रहा है। तो नदी कहाँ काट के जा रही है इस टाइम? काट के जा रही है सीधा एसएसबी कैंप के सामने। मेरा सिंचाई विभाग वालों ने एसएसबी कैंप के सामने ठोकरें लगाई भी नहीं थी? लगाई नहीं थी पिछले साल? बिल्कुल नहीं लगाई, किसी साल नहीं लगाई। लगाई नहीं है, यानी कि ईमानदारी से काम नहीं किया गया। किया होता तो पहले बोरी लगा के और नीचे फर्श बना के बढ़िया परकुपाइन लगाया होता, तब तो बच भी जाता। आपका नाम क्या है? क्या समस्या है यहाँ पे? ये नदी की कटान की दिक्कत है। जैसे आप पिताजी का क्या नाम है? रेशन सिंह जी। दर्शन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? इंद्रनगर। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये कटान हो रही है, हमारे घर चले जाएंगे, कोई सुनाई नहीं हो रही। ये पानी कहाँ से आता है? पानी ये मोहना से आता है। मोहना से, नेपाल से है, नेपाली नदियाँ हैं। तो ये फसलों का नुकसान भी काफी करती होंगी? काफी नुकसान हो गया है, कटान आ रही है, फसल हो नहीं रही, खाली घूम रहे हैं बाबू जी। चलिए,